हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं UPSSC मुख्य सेवक भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना, और प्लीज़ किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि UPSSC मुख्य सेवक से रिलेटेड जो कुछ भी जेन्युइन अपडेट होती है इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो कुछ आपके जो महत्वपूर्ण सवाल थे उन पर हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ये पूछ रहे थे कि जो सर है, जो मार्कशीट चाहिए जो DB के समय, ठीक है, DB के समय मार्कशीट होनी चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। और जहाँ तक बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि सर जो आप कट ऑफ बता रहे हो वो कहीं ना कहीं सही नहीं होने वाले हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और क्या यहाँ पर सिर्फ 70+ वालों का ही सिलेक्शन होगा, उससे नीचे मतलब कट ऑफ नहीं जाएगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट को लेकर परेशान है कि आखिर जो डॉक्यूमेंट है वो कब तक के माने होंगे। जैसा कि आपको पता है, लास्ट डेट है, उसके पहले या उसके बाद भी बनवा लो, उससे कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरी तरीके से ध्यान से सुनना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। क्योंकि जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जो कट ऑफ इस पर भी हम बात करूँगा, और जो BSc होम साइंस वाले थे को इस पर भी हम बात करेंगे, अगर बाहर होते हैं तो क्या कट ऑफ पर असर देखने को मिलता है। और जो बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं सर आप कट ऑफ वगैरह बदल रहे हो, इस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो, और आपको बता दूं फाइनल में एक जो मैं कट ऑफ भी बताने वाला हूं, क्योंकि यहां पर क्या है, बहुत सारे अभ्यर्थी कहने की परेशान हो जाते हैं कट ऑफ को लेकर, क्योंकि जैसे कि मैंने जो कट ऑफ बताई वो लिखकर नहीं बताई है, ठीक है, जिससे कि आज मैं वीडियो जो सभी कैटेगरी की कट ऑफ लिखकर भी बताऊंगा, तो सभी पर पहले गौर से वीडियो को सुन लो। सबसे पहले जो अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि सर मार्कशीट होनी चाहिए, डिग्री जरूरी होनी चाहिए, ठीक है, तो आपको बता दूं जहां तक कोई इसमें परेशानी नहीं होने वाली है, अगर आपके पास मार्कशीट भी है और डिग्री भी है, ठीक है, आप तो खैर डिग्री आने लगी है तो आप डिग्री भी ले सकते हो, ठीक है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। आप स्कूल में जाओ, अपने कॉलेज में जाओ, वहाँ से आसानी से आपको डिग्री मिल जाएगी, मगर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और देखो, आपको तो जब मार्कशीट आएगी तो फिर डिग्री भी आएगी, ठीक है, तो आप दोनों चीज़ कैरी कर सकते हो, ठीक है, मार्कशीट भी और डिग्री। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो मार्कशीट से भी काम चलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको DB से बाहर किया जाएगा। तो यहाँ पर चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, अगर आपके पास दोनों चीज़ें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और आपके पास सिर्फ मार्कशीट है तो अपने जैसे कि जिस कॉलेज से आपने जो भी मतलब ग्रेजुएशन वगैरह की है तो वहाँ से आपको डिग्री आपकी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसको लेकर आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट वगैरह रह गया हो तो कमेंट जरूर करना मार्कशीट और डिग्री को लेकर, ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं, इस प्रश्न को हम छोड़ते हैं, ठीक है, इस पर हम बाद में बात करेंगे, और जो डॉक्यूमेंट को लेकर हम थोड़ी चीज़ें क्लियर कर लें। देखो, आपको बता दूँ जैसा कि आपको पता है कि जो डॉक्यूमेंट को लेकर आपकी जो लास्ट डेट थी फॉर्म फिलिंग की वो 24 अगस्त थी, ठीक है, तो इसके पहले के ही मान्य किए जाएंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट है इसके पहले के मान्य किए जाएंगे। अब यहाँ पर क्या, जैसे कि जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, कास्ट हो गया, मूल वगैरह हो गया, और जैसे कि जो EWS, तो खैर आपको पता है वो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 24 अगस्त इससे 2022 के बीच का ही मान्य होगा। मगर जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं सर हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट थोड़ा पुराना है, तो हालांकि आप बनवा सकते हो मगर आपको दोनों ले जाने पड़ेंगे, ठीक है, आपको पुराना वाला भी और नया वाला भी, ठीक है, तो इसलिए मगर जहाँ तक जो भी डॉक्यूमेंट है इसके पहले के ही मान्य होंगे। जैसे कि आपके थोड़े पुराने हो गए, जैसे कास्ट हो गया, मूल हो गया, तो ये बनवा सकते हो मगर दोनों ले जाने पड़ेंगे, नया भी और जो आपका पुराना बना है, ठीक है। और EWS को लेकर जैसे कि मैंने बता दिया कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 24 अगस्त 2022 के बीच का मान्य होगा। अब जैसे कि मूल को लेकर जो परेशान है, मूल निवास को लेकर, तो मैं आपको बता दूं जो बहना इनकी शादी वगैरह हो गई तो आप अपने पति पक्ष का लगाना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। EWS भी अपने पति पक्ष का लगाना, सिर्फ जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका वो पिता पक्ष का लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, तो मैंने पहले भी कहा है लेखपाल साहब अगर इसमें रिपोर्ट लगा देंगे तो आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर भी अगर आपके कोई भी डाउट बची हूं तो कमेंट जरूर करना, ठीक है, उस पर भी मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। अब यहां पर जो बहुत सारे अभ्यर्थी कट ऑफ पर मैं बाद में चर्चा करूंगा, जो BSc होम साइंस वाले जो भी बच्चे हैं, ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो हमारे पास जो BSc होम साइंस वाले बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया होम साइंस मतलब जो BA वो भी बच्चे हैं, और यहां पर जैसे कि जो भी चीज़ें इन बच्चों ने भी बहुत अच्छी तरीके से मेहनत की और पेपर दिया BSc होम साइंस वालों ने, ठीक है, मगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, देखो जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी तो फिर मैं आपको बता दूँ आपको बाहर किया जाएगा। जितने भी BSc में, हालांकि आपको बुरा लग सकता है मगर नोटिफिकेशन में जो चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि उसमें कला स्नातक मांगाए गए हैं, ठीक है, अगर ये चीज़ें चलेंगी तो फिर आपको बाहर किया जाएगा। अगर यहाँ पर कोई भी जैसे आयोग रियायत वगैरह देता है, ठीक है, तो फिर आपको बाहर लिया जाएगा। मगर अभी किसी की बात पर आप विश्वास मत करो कि आपको बाहर कर दिया गया है, ठीक है, हालांकि ये कि आप दूसरे एग्जाम पर जरूर फोकस रखो, क्योंकि आपके 50% नहीं, 80% चांस है कि आपको बाहर किया जा सकता है,
क्योंकि जो भी जितनी पुरानी भर्ती हैं उनमें यही देखा गया है, जो भी मतलब नोटिफिकेशन वगैरह था उसके अकॉर्डिंग ही मतलब एलिजिबिलिटी मांगी जाती है। तो यहाँ पर अगर आप ये BSc होम साइंस वाले अगर बाहर होते हैं, ठीक है, देखो अभी कोई कंफर्म नहीं है, अगर वो DV के समय ही पता चलेगा, मैं सिर्फ नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, अगर बाहर होते हैं तो इस पर भी कट ऑफ पर असर पड़ेगा, क्योंकि BSc होम साइंस वाले बहुत सारे अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इस पर हम बात करने वाले, जो कट ऑफ को लेकर बच्चे परेशान है, सर आप कट ऑफ बदल रहे हो, मैं आपको बता दूं, मैंने अभी तक कोई भी मेरी वीडियो उठाकर देख सकते हो, मैंने किसी भी वीडियो में अपनी कट ऑफ को नहीं बदला है। ठीक है, अगर आपको लगता है, ठीक है, मैंने अपनी कट ऑफ पर अड़े हूँ, हालांकि मैं EWS की जरूरत जो मैं पहले बता रहा था उससे कहीं ना कहीं कम कर दी है, क्योंकि EWS मुझे लग रहा है इसकी कट ऑफ कमी जाने वाली, और बहुत सारे बच्चों का डाटा वगैरह मेरा EWS वालों का कहीं ना कहीं उनके पास बैलेट वगैरह भी नहीं है, तो उससे मैंने उस पर भी हम बात करेंगे EWS को मतलब कितना हमने कम किया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बच्चे परेशान है, 70+ वालों का ही सिलेक्शन होगा क्या? नहीं, ठीक है, ये बहुत कम संख्या है, 70+ वाले आपको बता दूँ 100-200 के बीच में ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके 70+ नंबर पर रहे होंगे, और एक बार रिजल्ट आने तो ये थोड़ा बहुत और कम आ जाएगा, मगर हालांकि 100+ अभ्यर्थी होंगे जिनके कहीं ना कहीं 70+ नंबर बढ़ रहे होंगे, क्योंकि इस एग्जाम में 70+ लाना बहुत ही टफ है, जो बच्चा लगातार थ्योरी वगैरह पढ़ा होगा, जिसने किसी भी चीज को मतलब सोचा नहीं समझा होगा कि पेपर होगा या नहीं होगा, और लगातार वो पढ़ाई करता रहा होगा, तो उसी के कहीं ना कहीं 70+ बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं 70+ वालों का ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, और जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ तो कट ऑफ भी हम बताने वाले हैं, जो बच्चे कट ऑफ को लेकर परेशान हैं, तो जैसा कि मेरे द्वारा जो कट ऑफ बताएगी, देखो DV पर हम बात करें, सभी पर बात करें, थोड़ी लॉन्ग वीडियो होगी तो वीडियो को पूरी तरीके से सुनना। अब हम बात करने वाले हैं कट ऑफ को लेकर, अब जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि सर आप कट ऑफ चेंज कर देते हो, नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपके 51 से 53 के बीच में नंबर हैं जनरल में तो आपका आसानी से होगा। मैंने कुछ वीडियो में ये कहा है कि जनरल OBC की 50 से कम नहीं जाएगी, इनकी 50 से प्लस रहने वाली है। ठीक है, अब हम बात करने वाले OBC को लेकर, जो अभ्यर्थी परेशान है, अगर 50 से 52 के बीच में नंबर हैं तो आपका निश्चिंत हो जाएगा, चांस हैं कम 50 के अंदर जाने के, मगर बहुत कम चांस लग रहे हैं कि ये 50 के अंदर जाएगी OBC और जनरल की, क्योंकि जनरल में क्या है, जितने भी बच्चा EWS वगैरह के बाहर होंगे सब जनरल में जाएंगे। ठीक है, और OBC बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आपके इतने नंबर रहे हैं इन दो कैटेगरी में, तो आप कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सिक्योर हो। अब हम बात करने वाले हैं और सभी कैटेगरी कट ऑफ बताने वाले हूँ, बच्चे परेशान है कि सर हमारी कैटेगरी क्यों नहीं बताते हो। अब जैसे कि SC हो गया, SC में मैं आपको बता दूँ, अगर आपके 45 नंबर बढ़ रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, SC में ये हम बात करने वाले हैं ST की, जो भी बच्चे ST वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके 40 नंबर बन नहीं रहे तो आप पूरी तरीके से उम्मीद रखो फाइनल की। ठीक है, अभी पूरी तरीके से उम्मीद रखो, आप होप मत छोड़ो, क्योंकि इतने पर आपका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं देखो PH कैटेगरी, देखो PH में लगभग आपको बता दूँ 38 के करीब नंबर बढ़ रहे हैं, 38 30, ठीक है, 38 PH में अगर आपके 36 से 38 के बीच में नंबर बढ़ रहे हैं तो आपका एक अच्छा स्कोर है और आपका आसानी से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहीं पर हम बात करने वाले, जैसे फ्रीडम फाइटर हो गया, ठीक है, फ्रीडम फाइटर और हमारे एक्स सर्विसमैन ESM, ठीक है, इनकी जो कट ऑफ है तो बहुत ही कम जाने वाली है। अगर आपके फ्रीडम फाइटर में लगभग 35 के करीब नंबर बढ़ रहे हैं, 35 के करीब, तो आपका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा, और इनकी संख्या बहुत कम मिली है, मुझे लगता है इससे भी कम जा सकती है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो लगभग 30 के करीब, और मैं आपको बता दूं ये मेरी मैक्सिमम कट ऑफ है, अगर आपके 25-26 इस प्रकार से नंबर भर रहे हैं तो फिर भी आप उम्मीद मत छोड़ो, आपके पूरे चांस रहेंगे सिलेक्शन होने के, क्योंकि आपकी जो सीट है वो कहीं ना कहीं अच्छी खासी सीट है, चाहे PH की मतलब फ्रीडम फाइटर की बात करें, चाहे एक्स सर्विसमैन की बात करें, चाहे प्लेयर की बात करें, और जहीं हम स्पोर्ट की बात करते हैं, देखो इनके पास भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास कहीं ना कहीं बैलेट कम होगा। ठीक है, तो इसमें और देखो जैसे कि फ्रीडम फाइटर हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, स्पोर्ट वाले जितने भी डॉक्यूमेंट है, ये 24 अगस्त जिस दिन आपका लास्ट फिलिंग थी उसके पहले के ही मान किए जाएंगे, इसके बाद का मान नहीं किया जाएगा। अगर आपके तो स्पोर्ट में मुझे लगता है सभी को लिया जा सकता है फाइनल में, क्योंकि लगभग 53 सीटें, तो जहाँ तक इतने ही बच्चे कहीं ना कहीं होंगे, ठीक है, अगर जाएगी तो थोड़ा बहुत नंबर जा सकती है, मगर आपको बता दूँ सभी को लिया जा सकता है, ऐसी उम्मीद है। ठीक है, तो मैंने सभी को जो कट ऑफ है, मैं अभी भी अपनी कट ऑफ पर कायम हूँ, अगर आपके इतने नंबर बढ़ रहे हैं तो पूरी तरीके से उम्मीद है आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत हो। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी प्रधान हैं कि जो रिवाइज आंसर की को लेकर के, सर रिवाइज आंसर की कब तक जारी होगी? ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा है, देखो रिवाइज आंसर की जैसा कि आपको 12 अक्टूबर तक आपने रेज कर दिया जो ऑब्जेक्शन करनी थी, अब इस पर क्या है, अब आसानी से इस पर काम होगा, और एक्सपर्ट की टीम है वो आसानी से अच्छी तरीके से
आपकी जो रिवाइज आंसर को बार बार चेक करेगी, उसके बाद ही कम से कम पब्लिश करेगी। तो ये उम्मीद है कि अक्टूबर के लास्ट तक ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी आंसर की वगैरह, अक्टूबर के लास्ट तक। और मैं आपको तो फर्स्ट वीक में नवंबर की, फर्स्ट वीक के नवंबर में ये जारी कर दी जाएगी और ये कन्फर्म है, ठीक है। क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगेगा नहीं, क्योंकि सिर्फ 35,000 करीब बच्चे हैं, तो इसमें जल्दी से काम हो जाएगा। और आप सोच रहे हो बीडीओडी एग्जाम है, तो वहाँ पर कहीं नहीं कि काफ़ी संख्या थी और आपत्ति वगैरह भी ज़्यादा दर्ज की गई थी, तो उसमें कहीं नहीं कि समय लगता है। और आपको बताया इस पहले से वो भर्ती विवाद में थी, तो कहीं नहीं कि जो एक्सपर्ट की टीम थी बार बार सोच रही थी कि जो आंसर की है वो आसानी से कोई भी बच्चा उस पर विवाद उत्पन्न नहीं कर पाए कि किसी बच्चा को ना घाटा हो ना नुकसान हो, इसलिए वो कहीं नहीं कि थोड़ा समय लिया गया था, आंसर की बहुत समय पहले से बन गई थी। तो यहाँ पर भी ऐसा होगा, एक्सपर्ट की टीम बार बार चेक करेगी, क्योंकि आपके भी कुछ प्रश्न विवाद वगैरह हैं, तो उन्हें अच्छी तरीके से चेक किया जाएगा। तो 1 नवंबर में आपकी जारी कर दी जाएगी। अब रिवाइज आंसर की आने के बाद, रिवाइज आंसर की आने के बाद फिर क्या होगा, आपका जो रिजल्ट आना है, ठीक है, वो डीवी के लिए रिजल्ट आना है। अब जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि सर डीवी रिजल्ट कब तक आएगा, तो मैं आपको बता दूं अगर फर्स्ट वीक नवंबर के में आ जाती है, तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में मानो आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, दिसंबर के फर्स्ट वीक में। चांस रहेंगे नवंबर के लास्ट में भी, मगर मैं आपको बता दूं दिसंबर के जो फर्स्ट वीक में 100% आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी सोच रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार कमेंट करते हैं कि नहीं होगा, 1 साल लग जाएगी, 2024 में आएगा कि 2025 में भर्ती कंप्लीट होगी, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि मुख्य सेविका की भर्ती है वो 2024 के इलेक्शन से पहले कंप्लीट की जाएगी, ये पूरा चीज़ कंफर्म है। एक जैसे कि लेखपाल की हो गई, ठीक है, बीडीओ की हो गई, और एक मुख्य सेविका की हो गई, ये भी पैट 2021 से ही भर्ती है, तो इन्हें कहने की जल्दी कंप्लीट किया जाएगा। तो आप लोग उसके लिए परेशान मत हो, अगर दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, तो फिर हालांकि ये कि आपकी डीवी अगर ये चाहें तो दिसंबर में भी करा सकते हैं, मगर जहां तक उम्मीद है कि जो आपका डीवी नोटिस है वो दिसंबर में ही देखने को मिल जाएगा, नोटिस दिसंबर में ही देखने को मिल जाएगा, तो उसके लिए आप परेशान मत हो, डीवी आपकी 2024 में स्टार्ट हो पाएगी, ठीक है। जनवरी में डीवी स्टार्ट हो जाएगी और लगभग आपको बता दूँ 20 दिन के करीब आपकी डीवी चलने वाली है, ठीक है, 20 दिन के करीब। और इसके बाद लगभग फरवरी या मार्च में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, ठीक है, फरवरी या मार्च में। और देखो इससे आचरण संहिता कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो नए विज्ञापन वगैरह नहीं आते, मगर ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि जो इलेक्शन सुना जा रहा है आपका अप्रैल मई में सुना जा रहा है, तो उससे पहले कहीं की भर्ती को कंप्लीट किया जाएगा। तो जो कुछ भी आपके डाउट थे मैंने कहीं नहीं क्लियर कर दिए। 70+ वाले में आपको तो बहुत ही कम, लगभग 100 के करीब ही अभ्यर्थी होंगे, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत हो। और जो बड़े बड़े यूट्यूबर बता रहे हैं, मैंने पहले भी बताया है, वो कहीं नहीं कट ऑफ को आगे लेके चलते हैं 4 से 5 नंबर, ठीक है, 4 से 5 नंबर वो आगे लेके चलते हैं और ज़्यादा लेके चलते हैं। वो क्या करते हैं, पोल के अकॉर्डिंग बताते हैं, पोल अकॉर्डिंग जो भी ऑडियंस होती है चैनल पर वो सभी टिक कर देते हैं, तो उससे कहीं नहीं डाटा रियल नहीं मिल पाता है, ठीक है। जो मेरे द्वारा कट ऑफ बताई जा रही है वो कहीं ना कहीं जो बच्चों से डायरेक्ट संपर्क किया गया, मैसेज वगैरह आए, और मैंने बार बार जितनी कमेंट है उन्हें देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी डॉक्यूमेंट वगैरह को लेकर। अगर आपके कोई भी और भी प्रश्न बचा रह गया हो, और देखो मैंने आपकी कट ऑफ पर अभी भी अड़कूँ जो मेरे द्वारा कट ऑफ बताई जा रही है, अगर आपको उसके बीच में नंबर भर रहे हैं, ठीक, उसी के बीच में नंबर भर रहे हैं, तो पूरी उम्मीद है आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो बच्चे परेशान हैं, आखिर कितना फ़ायदा होगा, तो लगभग मैं आपको बता दूँ 1 से 2 अंक का ही फायदा होगा। कोई बता रहा होगा मैं आपको बता दूँ 4 नंबर 8 नंबर फायदा हो जाएगा, नहीं होने वाला है, 1 से 2 ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें, तो हम वीडियो को यहीं रखते हैं, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद नहीं आई होगी, जो मैं अगर आपको लगता है मैं कहीं की जेन्यून अपडेट देता हूँ, तभी सब्सक्राइब करो, अन्यथा अनसब्सक्राइब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और मैं जहाँ तक उम्मीद है आपको जो भी डिलीवर करूँगा वो ऑथेंटिक डिलीवर करूँगा, तो उस पर आपको कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए कि सर कहीं ना कहीं गलत चीज़ें बता रहे हैं, नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। जो भी चीज़ें होंगी ऑथेंटिक होंगी, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो हम वीडियो को यहीं रखते हैं।